खुलेआम घूम रहे बेटे पर जानलेवा हमले के आरोपी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, एसपी से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के इंदौर थाना क्षेत्र के गुनहासा गांव की रहने वाली एक महिला ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस में आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक से बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। सुमन पत्नी वीरेंद्र गोस्वामी निवासी ग्राम गुनहासा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी ने बताया, उसके पुत्र रोहित गोस्वामी पर मन्ना लोधी, शैलेंद्र लोधी और राहुल लोधी ने गोली मारकर जान से खत्म करने की कोशिश की गई, जिसकी रिपोर्ट इंदौर थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के 4 माह बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वह किराए का कमरा लेकर बदरवास में रह रहे हैं। सुमन गोस्वामी ने बताया कि आरोपी हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे समझौता करो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। आरोपियों के पास बंदूक है। मन्ना लोधी के बड़े भाई विक्रम सिंह के पास 2 बंदूकें हैं, जिनसे यह प्रार्थियों को डरा धमका रहे हैं। सुमन गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सुमन गोस्वामी। कहाँ से आई हो आप? गुनहासा, ग्राम गुनहासा। कौन से थाने में पड़ता? इंदौर थाना। क्या समस्या लेके आई हो आप एसपी साहब के पास? अब एसपी साहब समझो, यहाँ 3-4 बार घटना हो गई, हम कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या घटना हो गई? लड़का गोली मारी, पहले मेरे साथ घटना भाई दो बार गोली मारी थी। मन्ना लोधी ने गोली मारी थी? मन्ना लोधी ने गोली मारी, शैलेंद्र लोधी और राहुल लोधी ने लाठी मारी। 3 लोगों ने मारी थी। मामला दर्ज नहीं किया था पुलिस ने? मामला दर्ज किया था, हमारा बता कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 16 फरवरी घटना है। 16 फरवरी की, 20 साल की। और जैसे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। थाने जाती हूँ तो क्या कहते हैं? थाने जाने कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, घर जाओ। एसपी साहब की आई तो क्या? एसपी साहब ने जा कही तो आवाज आएगी, जांच स्वयं कर लेंगे, आप घर जाओ, कार्रवाई हो रही है। काय की जांच होने गई? अब कहा तो काय की जांच रहे, हम जो बताते रहे, हम पूछते हैं साहब बताओ सही काय की जांच हो रही है, वो बताते ही नहीं है। 5-6 बार आवेदन दे चुके हैं। अब आप कहाँ रह रही है उस समय? हम बदरवास में रह रहे हैं। गांव भी नहीं जा पा रहे? गांव पे नहीं घुसन दे रहा है, फसल कटवा रहे हैं यादवंश से, और पति को पहले 2-3 से 2 लगा दो, तुम अभी हम गाँव में घुसन में तब जा रहे हैं, तब रही मारपीट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं घुसन दे रहा है गाँव में। अब तो हमने कोई थे को काम है, हमने जान की रक्षा करवाया, कपट भी था, हमने संघ का घटना कर दें, अब तो हम जान से मारे फिर रहे हैं।